सीएए और एनआरसी के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली के राजघाट पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ धरना लगाया। यह सभी नेता सीएए बिल और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने उतरे थे। इस मौके पर सभी कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने अंदाज में संविधान की परिभाषा लोगों के सामने पढ़ी और साथ ही पिछले दिनों हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मौन भी रखा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Constitution of India preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Constitution of India 1950. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Jinor ke 22 saal ke bacche अनस के नाम जो अपने परिवार के लिए कॉफी की मशीन चलाकर कमाता था, जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, वहां के 21 साल के सुलेमान के नाम जो यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा था, बच्चों के ट्यूशन कराता था, जिसकी मां ने कल शाम को आंसू भरी आंखों से मुझे कहा कि मेरा बेटा मेरे वतन के लिए शहीद हुआ है। उन सब बच्चों के नाम जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, बिजनौर के उमराज सैनी के नाम जिसका परिवार, जिसके 5 बच्चे अभी भी उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं, जो अस्पताल में घायल हैं, उन सब के नाम आज हम संकल्प करें कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। मैं भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ रही हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इति द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।